दोस्तों अगर आप भी सचिन तेंदुलकर के प्रशंसक हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मुंबई की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें मैदान पर बल्लेबाजी करने से ज्यादा ड्रेसिंग रूम में बैठने की जल्दी थी। जी हां, आज के मुकाबले में आरसीबी के सामने मुंबई के सारे बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और इस पर मुंबई के गुरु सचिन तेंदुलकर के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और आज दुनिया ने सचिन तेंदुलकर का रौद्र रूप देखा। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि गुस्से में आकर मुंबई के बल्लेबाजों से लेकर क्या कहा सचिन तेंदुलकर ने, ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल के आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई वापसी कर भी पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जब रोहित शर्मा और ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई तभी सबको ऐसा लग रहा था कि इस आईपीएल में अब मुंबई कम बैक कर चुकी है, क्योंकि रोहित और ईशान किशन ने मुंबई को एक आक्रामक शुरुआत दिलाते हुए पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी की। लेकिन इसके बाद तो जैसे मुंबई के बल्लेबाजों को पवेलियन जाने की ज्यादा जल्दी हो गई थी और जैसे ही रोहित शर्मा हर्षल पटेल की गेंद पर कैच आउट होते हुए पवेलियन गए तो बाकी के बल्लेबाजों को तो बस रोहित के बगल में ही जाके बैठना था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके बाद मैच 4 ओवरों में ही अपने 5 विकेट गवाकर एक समय शानदार शुरुआत कर चुकी मुंबई के बल्लेबाजों ने कोहली के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। आपको बता दें कि मुंबई के बल्लेबाजों का बुरा हाल तो ये रहा कि तिलक वर्मा और कारण पोलार्ड तो खादा भी नहीं खोल पाए, लेकिन सूर्य कुमार यादव अकेले ही मोर्चा संभाल कर मुंबई की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन इसके बाद अपने बल्लेबाजों पर जमकर भड़कते हुए नजर आए सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने कहा कि आज हमारे बल्लेबाजों ने बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन स्वीकार करने योग्य बिल्कुल नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार विकेट पर टिकने में हमारे बल्लेबाजों को क्या ही दिक्कत हो रही थी। हमने आज मैच से पहले काफी चर्चा की थी कि हम इस मुकाबले में पूरी तरीके से जान लगा देंगे, लेकिन आज जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है वो बेहद ही निराशाजनक थी। मुझे लगता है कि बाकी के बल्लेबाजों को सूर्य कुमार यादव से सीखने की जरूरत है। वो हमारी टीम की तरफ से इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने गजब की परिपक्वता दिखाई है और मैं तो उनकी बल्लेबाजी का प्रशंसक हो गया हूं। जिस मुश्किल सिचुएशन में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, यदि कोई दूसरा बल्लेबाज उनके साथ खड़ा भी रहता तो शायद मैच का नतीजा कुछ और ही हो सकता था। लेकिन मुझे यकीन है कि हम अगले मुकाबले में वापसी जरूर करेंगे और हमने ऐसा पहले भी किया है। दोस्तों जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने आज भड़कते हुए मुंबई के बल्लेबाजों पर अपना बयान दिया है, ऐसा इस महान खिलाड़ी को कभी नहीं देखा गया है और उन्होंने ऐसे कभी किसी खिलाड़ियों को नहीं सुनाया होगा। जिस तरीके से आज मुंबई के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है इसके बाद उनका रिएक्शन सामने आया है, उसके बाद सचिन तेंदुलकर का गुस्सा होना भी जायज है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोहित के पलटन साल 2022 के आईपीएल में वापसी कर पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।